सब्सक्राइब करन्तु टेक्सन्तु चैनल को एवं बेल आइकन को प्रेस करी ऑल को प्रेस करनियन्तु लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पाई। समस्त बंधु मान को सादर प्रणाम जनाउछि मु संजय। चालन्तु आजिर अपडेट विषय रे आलोचना करिबा। हाय फ्रेंड्स, मु संजय आपनको टेक्सन चैनल को स्वागत जनाउछि। आजिर अपडेट नंबर रहिछि 101। एही अपडेट रहिछि स्मार्ट स्कूल तालिका रे 10 हाई स्कूल। कंधमाल जिलार 10 स्कूल को स्मार्ट स्कूल अंतर्भुक्त कराई से चारि बालिका हाईस्कल थे और 6 हाईस्कल रही। जिले में अनेक हाईस्कल मध्य विभिन्न दृष्टिकोण विचार को नहीं जिलापाल डॉक्टर बुंदाड़ी प्रकल्प निर्देशक डीआरडीए विश्वरंजन नायक जिला शिक्षाधिकारी और संप्रक्त अंचल विडीओ मैंने विभिन्न स्कूल शिक्षा व्यवस्था रिजल्ट शिक्षक शिक्षयित्री मानक संख्या भित्तिभूमि स्वच्छता और अन्य व्यवस्था को अनुधान कर हाईस्कल गुड़ी को प्रथम पर्यायर स्मार्ट स्कूल कार्यक्रम अंतर्भुक्त कर हाईस्कल गुड़िक दारिंगबाड़ी ब्लक सरकारी हाईस्कल सीमनबाड़ी और प्रभाती तारा गर्ल्स हाईस्कल ब्राह्मणी गाँ रईकिया ब्लक विजय हाईस्कल तुमुड़ीबंध ब्लक सरकारी हाईस्कल बालीगुड़ा ब्लक सरकारी बालिका हाईस्कल फुलवाणी सहर एजेओ हाईस्कल सरकारी बालिका हाईस्कल खजुरीपड़ा ब्लक दूतीपड़ा सरकारी हाईस्कल फेरिंगिया ब्लक सरकारी हाईस्कल नेड़ीपदर बी और जी उदयगिरी ब्लक सरकारी बालिका हाईस्कल। यही स्कूल गुड़िकर क्लासरूम गुड़िक अत्याधुनिक करंप्यूटरीकरण वाईफाई व्यवस्था उन्नतमान तथा अत्याधुनिक कार्यालय खेल पड़िया उन्नतीकरण पाचेरी गेट आदि निर्माण छात्र छी मैंने अधिकर अधिक जेपर यही स्कूल गुड़िक पाठ पढ़े ता प्रति आग्रह प्रकाश करेंगे से दृष्टि दिजिव। तो निश्चित भाव में यह एक बड़ अपडेट जामर परवर्त अपडेट को। तो लेटरटी रही गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंटर लेटर नंबर रही 5654 डेटेड रही 10/3/2021। तो पूर्व यह लेटरटी को मुझे आलोचना करी किंतु आज पुनर्वार आलोचना करा फ्रॉम डॉक्टर प्रताप कुमार मिश्र ओएसएसएजी एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट कराई डायरेक्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा भुवनेश्वर डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा भुवनेश्वर चेयरमैन सीएचएससी ओडिशा भुवनेश्वर और प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा कटक। सब्जेक्ट रही एक्सक्लूजन ऑफ संडेज फ्रॉम स्कूल टीचिंग डेज स्कूल पाठपढ़ार दिवस संडे को बा रविवार को बाद देवाई लेटरटी कर सार इनभाइटिंग रेफरेन्स टू द लेटर डिपार्टमेंट लेटर नंबर 115/SME डेटर 2/1/2021 आई एम डायरेक्टेड टू से दैट गवर्नमेंट हाज बीन प्लीज्ड टू एक्सक्लूड ऑल संडेज फ्रॉम द स्कूल टीचिंग डेज फॉर क्लास 10 and 12 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2021। तो 1/4/2021 ठार पाठपढ़ा दिवस मध्य रविवार को बाद देवाई रही। तो आज हूँ 4 आज हूँ एप्रिल मासर प्रथम रविवार तेणु आज पाठपढ़ा प्रति रविवार सप्ताह प्रति रविवार पाठपढ़ा बंद रहिबो। दिस इज फॉर योर इनफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन। जीवर परवर्ती अपडेट को। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल की चेतावनी, सरकार ने 10 तक स्कूल न खोले तो 11 से खुद ही खोलेंगे। प्राइवेट स्कूल फेडरेशन रो सरकार को चेतावनी रही 10 तारीख सुधा यदि स्कूल खोलने पर अनुमति दि न जाए तो 11 आईन को अमान्य करी स्कूल खोलिबे। तो फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एंड एसोसिएशन पंजाब द्वारा एक बैठक रही तार अध्यक्ष कहते जदि 10 एप्रिल 10/2021 सुधा सरकार स्कूल गुड़िक खोलने अनुमति न दिंती तो 11 April 2021 ठार आईन को अमान्य करी सरकार को अनदेखा करी स्कूल खोलिबे। सभापति आहुरी मध्य कहते जे अभिभावक माने मध्य बारंबार कहते जे स्कूल खोलिया पई तेणुक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नियाजाइछि। जीवामर परवर्ती अपडेट को। गुरुत्वपूर्ण अपडेट, राज्यर 10 जिले में लागू है नाइट कर्फ्यू, राति 10 भोर 5 पर्यंत सब बंद, जरूरी सेवा को अनुमति। देखा के जिले में नाइट कर्फ्यू लागू होती। ओडिशा को फेरला नाइट कर्फ्यू, 10 जिले में नाइट कर्फ्यू लागू होगा नहीं घोषणा कर 10 जिला गुड़िक रही सुंदरगढ़, बलांगीर, नुआपड़ा, संबलपुर, झारसुगुड़ा, कलाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुट, मलकानगिरी और बरगढ़ जिले में नाइट कर्फ्यू लागू कराई राति 10 भोर 5 जाए। राज्यर
ଏହି 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖରୁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ବେଳେ ଜରୁରୀ ସେବା ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲୁ ରହିବ। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ଭାବେ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ ହେବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ଅଫିସରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଟର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। 1714 ଲେଟର ନମ୍ବର ରହିଛି। ଡେଟର ରହିଛି 3/4/2021। 10 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରହିଥିଲା ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ରହିଛି। ରହିଛି ଅଲ୍ ସପ୍ସ କମର୍ସିଆଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫିସେସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସାଲ୍ ରିମେନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ଡ ଅର୍ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ବିଟୱିନ୍ 10 PM ଟୁ 5 AM। ତ ଦୋକାନ କମର୍ସିଆଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ରାତି 10ରୁ ସକାଳ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। କରୋନା ଯେପରି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଆମର ଲଗାଯାଇଛି 10 ଜିଲ୍ଲାରେ। ଯିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍କୁ। ଲେଟର ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛି ଏସ୍ଆର୍ସି ଅଫିସଙ୍କ ତରଫରୁ। ଲେଟର ନମ୍ବର ହେଉଛି 1712। ଡେଟେଡ୍ ରହିଛି 3/4/2021। ଲେଟରଟି କରାଯାଇଛି ଟୁ ଅଲ୍ କଲେକ୍ଟର୍ସ ଅର୍ ଅଲ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନର୍ସ। ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି ଫର୍ମାଟ୍ ଫର୍ ଡେଲି ରିପୋର୍ଟିଂ ଅନ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଅର୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଫାସିଲିଟିଜ୍ ଫର୍ COVID-19 ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍ସ। ତ କୋଭିଡ଼୍ରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ରିପୋର୍ଟକୁ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଫର୍ମାଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ରହିଛି କମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ନମ୍ବର 1708। ଡେଟେଡ୍ ରହିଛି 1/4/2021। ତ ରହିଛି ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବା ଆଇସୋଲେସନ୍ ଫାସିଲିଟି ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଡେଲି ରିପୋର୍ଟକୁ ଫର୍ମାଟ୍ ଜରିଆରେ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ରହିଛି। ରହିଛି ଦ କଲେକ୍ଟର୍ସ ଅର୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନର୍ ସାଲ୍ ଫର୍ନିସ୍ ୱିକ୍ଲି କନ୍ସୋଲିଡେଟେଡ୍ ରିପୋର୍ଟ ଟୁ ଦି ସ୍ପେଶାଲ ରିଲିଫ୍ କମିଶନର୍ ଅନ୍ ଏଭ୍ରି ମଣ୍ଡେ ବେସିଂ ଅନ୍ ଦ ଡେଲି ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟେଡ୍ ବାଇ ଦି ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ୍ସ ଅର୍ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ୍ ଏବଂ କଲେଜର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ ତାହାକୁ ୱିକ୍ଲି କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ମହାନଗର ନିଗମର କମିଶନର୍ମାନେ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ଅଫିସରେ ଦାଖଲ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହର ସୋମବାର ଏହାକୁ ଦାଖଲ କରାଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଫର୍ମାଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି ଆମର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଛି ଟେବୁଲ୍ 1 ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଅର୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଫାସିଲିଟି ଇନ୍ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ୍ ପାଇଁ ରହିଛି। ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଛି। ଏହି ଫର୍ମାଟ୍ ଅନୁସାରେ ଡେଲି ଦିଆଯିବ, ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଟେବୁଲ୍ 2 ରହିଛି ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଅର୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଫାସିଲିଟିଜ୍ ଇନ୍ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ କଲେଜ ପାଇଁ ରହିଛି। ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଛି। 19 ଆମର ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଆମର ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଯିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଫର୍ମାଟ୍ ପାଇଁ। ଟେବୁଲ୍ 3 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଛି। ତା'ପରେ ରହିଛି ଟେବୁଲ୍ 4 ରହିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଟୁ ପର୍ସନ୍ ଇନ୍ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଅର୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରହିଛି। ତ ଇଏ ଟେବୁଲ୍ 4 ରହିଛି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଛି। ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସେସ୍ ରହିଛି। ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ସ ଇନ୍ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଅର୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍। ନମ୍ବର ଅଫ୍ କଲ୍ସ ମେଡ୍ ବାଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଟୁ ଦି ପର୍ସନ୍ ଇନ୍ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଅର୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍। 10 ସଚ୍ କଲ୍ଡ ନମ୍ବର୍ସ ମେ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ଫର୍ କ୍ରସ୍ ଚେକିଂ ଆଣ୍ଡ ରହିଛି 5 ସଚ୍ କଲ୍ଡ ନମ୍ବର୍ ମେ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ଫର୍ କ୍ରସ୍ ଚେକିଂ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ରହିଛି ରିମାର୍କସ୍। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଯିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍କୁ। ଏପ୍ରିଲ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ। କରୋନା ମହାମାରୀ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କରୋନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜକୁ 15 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଆଜି ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ 15 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଛୁଟି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବଢ଼ୁଥିବା ମାମଲାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏପ୍ରିଲ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ଅବସରରେ ଶିକ୍ଷକ ଗଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ସେମାନେ ପରିବାରର ସହମତି ନେଇ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ। ଏହି ପ୍ରଦେଶରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର, ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ଡେଣ୍ଟାଲ କଲେଜ ଖୋଲାଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ହଷ୍ଟେଲଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପାଳନ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଆମ ରାଜ୍ୟର ନହେଲେ ବି ଏହା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଖବରଟି ରହିଛି। ଯିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍କୁ।
तो आज शेड्यूल फॉर फाइनल प्रैक्टिस टेस्ट फॉर टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 दशम श्रेणी छात्र छात्री मानों पे फाइनल प्रैक्टिस टेस्ट पे शेड्यूल रही 15, 16, 17 चार 2021 दिन रहिबो दुईटी सीटिंग रे परीक्षा हबो। प्रथम दिन रही ओडिया एवं सोशल साइंस, सेकंड दिन रही सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश एवं जनरल साइंस, एवं लास्ट दिन रही 17 तारीख रही मैथमेटिक्स एवं थर्ड लैंग्वेज हिंदी और संस्कृत। तो रही The question papers of the above examination will be uploaded a day before the examination in our website www.bsc.nic.in। तो क्वेश्चन पेपर जो दिन जो क्वेश्चन सब्जेक्ट थी तार पूर्व दिन क्वेश्चन पेपर को वेबसाइट आम अपलोड करा जीवो। तो यही वेबसाइट लिंक को मो डिस्क्रिप्शन आप प्रोवाइड कर दे, आप चेकआउट करेंगे। द आंसर स्कोरिंग की ऑफ ईच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर विल बी अपलोडेड इन द इवनिंग ऑफ द डे ऑफ एग्जामिनेशन फॉर वैल्यूएशन, एवं आंसर की गुड़िक संध्या बेले से यही वेबसाइट अपलोड करा जीवो। जीवा परवर्ती अपडेट को शेष अपडेट रही गुरुत्वपूर्ण अपडेट 2021-22 लगी मेरु निष्ठा योजना आरंभ, प्रशिक्षण नबे 1.19 लाख शिक्षक। भुवनेश्वर 2021 शिक्षा वर्ष लगे राज्य में मेरु आरंभ हो निष्ठा योजना। यह योजन प्रथम रु दशम श्रेणी पर्यंत राज्यर 1,19,000 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया दिज्व ए शिक्षकों को मिले स्वतंत्र प्रशिक्षण। 2021-22 शिक्षा वर्ष लगे सर्वभारतीय स्तर में यह निष्ठा योजना आरंभ हो जाती देशर मोट 42 लाख शिक्षक प्रशिक्षण पाइबे। राज्य में प्रथम रु दशम पर्यंत 2.5 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण देवा लगी योजना थी बेले प्रथम पर्यायर 1.19 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण दिज्व मे प्रथम सप्ताह प्रथम अष्टम श्रेणी पर्यंत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिज्वर नवम रु द्वादश श्रेणी शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करपत्ति। सर्वभारतीय स्तर में ओडिशा शिक्षा क्षेत्र में संस्कार आणवे ओडिशा सरकार आगुआ थी बेले विभिन्न अभिनव योजना कार्यकारी कर राज्य रेकर्ड कर प्रशिक्षण कार्यक्रम में विषय भित्तिक फर्माल और नन फर्माल शिक्षादान पद्धति संपर्क में प्रशिक्षण दिज्वा सह स्कूल परिचालना और कंप्यूटर संपर्क में प्रशिक्षण दिज्व से सबू शिक्षक जेपरि सबु विषय शिक्षादान करिवारे दक्ष हो पारे से नहीं मध्य योजना गुरुत्व दिज्व। केवल सरकारी स्कूल शिक्षक शिक्षयत्री एवं प्रधान शिक्षक मैंने योजन सामिल हो पारे। ए संपर्क में गणशिक्षा विभाग जन अधिकारी कहते जी कार्यक्रम गत वर्ष आरंभ हो निष्पत्ति बेले करोना लगे प्रशिक्षण कार्यक्रम बंद रही है। जदि व्यवस्था सुधार आसे तेज कोविड नियम को कड़ाकड़ी भाव पालन कर प्रशिक्षण प्रदान होजना जेपर राज्य में ठीक भाव कार्यकारी हे से दिगरे विभाग पक्ष गुरुत्व दिज्व निश्चित भाव एक बड़ अपडेट। पुनर्बार मे मसर पुणी निष्ठा प्लाटफर्म आम शिक्षक मैंने प्रशिक्षण ने ट्रेनिंग ने अपडेट गुड़ समाप्त हो धन्यवाद। ये थिला आज अपडेट्स एमती किसी नुआ नुआ अपडेट सह मु पुणी आसीबि आपनको निकटकु। तो तागुरु कहि रखिबि जे माने चैनल टिकु प्रथम थरो विजिट करछन्ति चैनल टिकु सब्सक्राइब करंतु, नोटिफिकेशन बेल टिकु प्रेस कर दियंतु, एवं वीडियो टिकु लाइक तथा शेयर कर दियंतु। धन्यवाद।